जय हिंद भारत की नई संसद भवन में अखंड भारत के नक्शे को देखकर नेपाल में तनातनी का माहौल है। अखंड भारत के नक्शे को लेकर नेपाल के लगभग सभी दलों में उनके राजनेताओं में तनातनी का माहौल है। सबने नाराजगी जाहिर की है इस अखंड भारत के नक्शे पर। तो जो नेपाल में नाराजगी चल रही है वो इसलिए चल रही है क्योंकि जो भगवान गौतम बुद्ध थे उनका जन्म जो हुआ था वो लुम्बिनी में हुआ था। नेपाल है, नेपाल का जो टूरिज्म है वो लुम्बिनी से होता है। लुम्बिनी ही जो नेपाल का नक्शा है उसमें सबसे ज्यादा प्रचलित है। इस समय कहाँ पड़ती है? नेपाल में। इस समय नेपाल के अंडर में आती है। तो जब इस लुम्बिनी को भारत के अखंड नक्शे में शामिल किया गया तो जाहिर सी बात है कि इसको कुछ दिनों बाद भारत में शामिल कर लिया जाएगा। तो इसलिए नेपाल ने इस पर नाराजगी जाहिर की है कि आप लुम्बिनी को हमसे छीन ले रहे हैं। तो जो नेपाल है वह लुम्बिनी को एक बड़े सांस्कृतिक केंद्र के रूप में नेपाली नक्शे में दिखाता है, बड़े सांस्कृतिक केंद्र के रूप में। लुम्बिनी नेपाल का सांस्कृतिक केंद्र है। अगर हम सीधी भाषा में कहें तो जो नेपाल है वो इसी जगह के नाम से फेमस है। किस जगह के नाम से? लुम्बिनी के नाम से ही फेमस है। तो अखंड भारत के नक्शे को लेकर नेपाल के जो पूर्व प्रधानमंत्री हैं बाबूराम भट्टराई ने भड़कते हुए अपने बयान में यह कहा है कि यह अखंड भारत का नक्शा जो है नेपाल के साथ साथ जो भारत के पड़ोसी और देश है, तो भारत के पड़ोसी देशों में यह राजनीतिक तौर पर जो विवाद को जन्म देता है क्योंकि यहाँ पर इसको लेकर और जो जितने भी सारे देश हैं उन सब में अनबन का माहौल छा जाएगा इसको लेकर। तो इन्होंने कहा है कि हम नेपाल वाले तो आपसे गुस्सा ही है, इसके साथ साथ आपसे जितने भी पड़ोसी देश हैं, कौन से पड़ोसी देश हैं, ये सभी आपसे गुस्सा हो जाएंगे, नाराज हो जाएंगे। किस लिए? इस अखंड भारत के नक्शे को लेकर। काहे नाराज हो जाएंगे जी? ये तो पहले का भारत है, हम बीच में छोड़ दिए, कुछ विवादों के चलते कुछ कारण रहे जिसके वजह से हम आपको दे दिए, लेकिन इसका मतलब नहीं कि हम आपसे अपनी चीज वापस नहीं ले सकते हैं। ऐसा कहाँ लिखा है जी? ये तो हमने आपको दिया था, उससे हम ले रहे हैं, तो आपको कौन सी आपत्ति है? तो जो बाबूराम भट्टराई है नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री, इन्होंने कहा है यह अनावश्यक है, मतलब अखंड भारत को इन्होंने अनावश्यक बता दिया है और यह हानिकारक भी बताया है। किस लिए हानिकारक बताया है? क्योंकि जो पड़ोसी देश है उनसे विवाद हो सकता है, तो इसलिए इन्होंने हानिकारक और अनावश्यक बताया। इसके साथ इन्होंने यह भी कहा है कि विश्वास की कमी के कारण जितने भी भारत के पड़ोसी देश आए वो सब उनके जो राजनीतिक संबंध है वो इसी विश्वास की कमी के कारण ही खराब चल रहे हैं। अच्छा, जब मतलब तुमको अगर कोई गलत ठहरा रहा है, गलत कर रहे हो, गलत करने के बाद अगर तुमको ठहराया जा रहा है कि तुम गलत कर रहे हो, बताया जा रहा है गलत कर रहे हो, तब हमको विश्वास ही बता दे रहे हो, ये कौन सी बात हुई कि मतलब इंडिया पे कोई विश्वास नहीं करता? तुम जैसे विश्वास नहीं करते होंगे, नहीं करते हैं, क्या मतलब है? विश्वास की कमी के कारण ही द्विपक्षीय संबंध जो है वो खराब होते जा रहे हैं। अच्छा, ये भी बता रहे हो। जब भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 28 मई 2023 को नई संसद का उद्घाटन किया था तब यह जो अखंड भारत का चित्र है, अखंड भारत का जो मैप है वो सामने आया था। इसके पहले अखंड भारत का जो मैप है वो किसी भी संसद, वो जो पुरानी संसद थी उसमें नहीं लगा था। और इसमें भी जो नई संसद जो बनी है इसमें भी किसी को नहीं पता था कि यह अखंड भारत का नक्शा अटैच किया गया, अखंड भारत का नक्शा वहां पर लगाया गया। लेकिन जब इन्होंने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जब इसका उद्घाटन किया था नई संसद भवन का 28 मई 2023 को, तब जाकर यह जो अखंड भारत का नक्शा है यह सामने आया था। जब यह नक्शा सामने आया तो सब चौंकने रह गए, किसी को पता नहीं था कि अखंड भारत भी यहाँ पर लग सकता है। तो यह हो सकता है, ऐसा नहीं है, ऐसा हो सकता है कि अखंड भारत पहले था और होके रहेगा। तो अखंड भारत का नक्शा देखकर सभी जितने भी नेता थे, राजनेता थे, सभी चौंकने रह गए। कुछ आधों को पता नहीं था ये है क्या, उसके बाद पता गया अखंड भारत है, ये पहले वाला भारत है, ये आपका भारत नहीं है, आपका भारत तो कम है, ये बहुत पहले का भारत है, अब ये भारत होके रहेगा। इस खबर को सुनकर नेपाली मीडिया में आग तब लगी जब नेपाल के प्रधानमंत्री प्रचंड, जिनका पूरा नाम पुष्पकमल दहल उर्फ प्रचंड है, जब ये प्रचंड भारत को आए थे, प्रधानमंत्री के साथ इनकी मीटिंग हुई थी, तब इन्होंने इस पर चर्चा की थी। और तभी से जब जैसे ही सुना नेपाली मीडिया ने कि अखंड भारत का नक्शा लगा है भारत की नई संसद भवन में जिसमें लुम्बिनी भी शामिल है, उसी दिन से तभी से
जो नेपाल है वहां पर खलबली मच गई है कि अब ये लुम्बिनी को ले लेंगे। इस मुद्दे के साथ ही जो काला पानी का क्षेत्र है उसके विवादों को ताजा कर दिया है। तो भारत कहता है कि जो काला पानी का क्षेत्र है हमारे उत्तराखंड में आता है, लेकिन वही नेपाल कहता है कि ये हमारे क्षेत्र का हिस्सा है, हम इसे नहीं देंगे। इस मुद्दे को भी दोनों प्रधानमंत्रियों ने आपस में सुलझाने की कोशिश की थी और उस पर कहा गया था कि हम एज अ फ्रेंड इस पर बात करेंगे और जिसे राजनीतिक तौर से हम इस पर चर्चा करेंगे और चर्चा करने के बाद हम इस मुद्दे को सुलझा लेंगे। तो इस प्रकार से अखंड भारत के नक्शे में लुम्बिनी को देखकर नेपाल में जो खलबली मच गई है। आई होप इस वीडियो में दी गई जानकारी को आप समझ पाए। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।